अभी बात हुई अबू सलेम को लेकर के, अबू सलेम को लाया गया था आतंकवाद के मसले पर, और 2007 में पेशी के दौरान, जो इतना बड़ा नोटेरियस क्रिमिनल हो और टेररिस्ट कैटेगरी में गिना जाता हो, पेशी पे ले आ रही है पुलिस और ट्रेन में उसके साथ ही हो जा रही है। 2007 में कौशर बी जो एक अनजान महिला थी वो ट्रेन में सफर कर रही थी, उसने अबू सलेम को ट्रेन में देखा, ट्रेन में उसे प्यार हुआ, ट्रेन में ही शादी हो गई, ट्रेन में मौलवी आ गए। तो अगर ऐसे अपराधी के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं हैं तो ट्रेन में, अगर वो जेल में भी है क्या फर्क पड़ता है, वो ट्रेन में रहे या जेल में रहे या बाहर रहे, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता जी। बल्कि बाहर वो ज्यादा सुरक्षित है, अंदर सुरक्षित रहते हो सारे वो काम कर सकता है। हाँ। तो जो बातें कम कम आ रही निकल करके, उसमें लगता है कि जितना कुछ हो सकता है वो करने की जरूरत है, और आज के बाद हो सकता है गलतियां कुछ और होंगी। जो भी उनके संरक्षण में पलने वाले अपराधी हैं, एक बार उनका मॉरल जरूर बढ़ेगा। जो लोग कहा जा रहा है कि डर गए, सहम गए, रोने लगा, ये सारी नाटकें अपनी जगह होती हैं। अपराधी के पैतरे अलग होते हैं और उसको सीधे तौर पर आतंकवाद से जोड़ के देखा जाना चाहिए जी। तो सर, लेकिन ऐसे कि फिर क्या चेंजेस हम लोगों को ग्राउंड लेवल पर करने पड़ेंगे ताकि कम से कम खौफ लोगों के अंदर रहे कि हाँ मुझे सजा हुई है तो सजा का खौफ रहे लोगों के अंदर। विनय जी देखिए, सबसे बड़ी बात है खौफ की बात जो कही जा रही है कि अगर एक तरफ तो जो व्यक्ति देश में आपका अरेस्ट हुआ, देश छोड़ के नहीं भाग पाया, उसको आपने फांसी दिया जी। वो भागने में कामयाब रहा, उसको बाहर के लोगों की मदद मिली, वो पुर्तगाल से अरेस्ट हुआ, उस समय सेटेलाइट फोन इस्तेमाल कर रहा, जीपीआरएस सिस्टम से पकड़ा गया, बाद में वहीं पता चला कि मोनिका बेदी के साथ उसकी शादी भी हो चुकी थी, यहाँ आने के बाद पता चला जो पासपोर्ट बना था फर्जी वो लखनऊ से बना था, जिसके इतने नेटवर्क है, तो अगर अपने आप को अगर सुरक्षित है, उसके ऊपर एक जान का खतरा नहीं है कि वो कम से कम उम्र कैद के दायरे में है। और मैं कहता हूँ इंडियन कानून के तहत अगर उम्र कैद होता तो फिर भी गनीमत थी कि कम से कम लाइफ लॉन्ग वो जेल में रहेगा। लेकिन अब तो मसला है कि अगर हम उस प्रत्यर्पण संधि से बंधे हुए हैं, और जिस बात का जिक्र अभी अनिल जी भी ने किया कि वो अलग एक कैटेगरी का समान तौर पर कोई अपराधी भग जाए बाहर उसको पकड़ के ले आए, लेकिन मसला वो समान ही नहीं है। जिस 12 बम धमाकों में सैकड़ों लोगों की जान गई हो, पूरा देश आंदोलित हुआ हो, सभी लोग, इस पूरा देश एक बार हिल गया हो इस मसले को लेकर, तो जो सुरेंद्र राजपूत ने जी भी कहा कि आज मसला सिर्फ आतंकवाद का भारत के लिए नहीं है, ये मसला तब का है जब भारत की इंटरनल लड़ाई मानी जाती थी, अब ये वर्ल्ड वाइड मामला है, और एक एक आतंकवादी अगर कहीं से भी रेमेडी पाता है तो मैसेज बड़े लेवल पर जाता है। तो मेरा मानना है नए सिरे से बात करने की जरूरत है, अगर हो सकता है, अगर संभावनाएं हैं तो कोशिश करने में एतराज नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अगर कामयाबी मिल जाए तो भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी।